I'm here sitting with Muhammad Yusuf Zargar, who's a very old, committed nationalist who loves his country, Kashmir. And I'm going to be taking advantage of his experience and knowledge about the issue which remains outstanding since 1947. तो जनाब अली, पहले आप खुद ही बेहतर अपना तारुफ कर सकते हैं, तो मैं मकबूजा कश्मीर बारामूला का रहने वाला, ठीक है, जहाँ से बट साहब भी सही, ठीक पढ़ते थे एक जैन रोड कॉलेज में। तो जी, फिर 1958 में उन्होंने मुझे निकाला है, तब से मैं यहाँ अपने काम करते हैं। यहाँ सही यहाँ भी बस जो कुछ हो भाई सका साहब, चल करते रहा हूँ, रहे। कोई बात नहीं, पूछ लें। सही नहीं, वो बिल्कुल है। भट्ट साहब, इन्होंने कहा तो हम सब समझ गए कि मकबूल भट्ट शहीद की बात हो रही है। तो कुछ देर पहले कुछ आपने बातें की थी, मैं समझता हूँ कि चंद ही मिनट में आपने हमारी सारी तफसील, हमारा जो मौकफ है, जो हमारा जेन्युइन मौकफ है, वो आपने पेश किया था। तो काइंडली आप थोड़ा सा फिर दोबारा वो जो मौकफ है लेकिन वो ये वाज़ह। बात उसमें मौकफ में क्या है, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर हजारों साल से एक वहदत है। जी इसमें कोई झगड़ा नहीं है किसी मजहब का, किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम का, मजहब के नाम पर कोई बात यहाँ नहीं होती है। ठीक यहाँ इंसानियत के नाम पर एक रियासत है, इसकी तवारीख 4,500 साल से है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम हिंदुस्तान के लिए भी कहते हैं वो भी खुश रहे, पाकिस्तान भी खुश रहे, जी बल्कि हम हम दोनों के दुश्मन नहीं है कुछ ही के दुश्मन नहीं। जी हम कहते हैं बल्कि हमारा साथी, हमारा हमसाया रूस भी है, जी हमारा हमसाया चीन भी है, हमारा हमसाया अफगानिस्तान भी है। पांच मुल्कों की सरहदें हमारे मुल्क के साथ मिलती है, जी तो हम कहते हैं ये सारे खुश रहें। ये अगर एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ना, उसमें ये बैठकर ये फैसला करेंगे कि हम इस रियासत जम्मू कश्मीर पर हमला नहीं करने देंगे, अगर कोई करेगा तो उसको हम सही, रद्द अमल में कुछ उस करेंगे। रद्द अमल में करेंगे। तो ये तो रियासत जम्मू कश्मीर खूबसूरत इलाका है, ये अपने कजिए आकर यहाँ हल करें। यहाँ का पानी फर्स्ट क्लास, यहाँ के फूल फर्स्ट क्लास, यहाँ के दरिया फर्स्ट क्लास। इनको पता नहीं क्या हो गया, जो आता है वो कब्जा करके बैठ जाता है और हमारी चमड़ी उतारता है, ये नहीं समझ आती। सही है। तो आप फरमा रहे थे कि बहुत अरसे से ये इकदाम हो रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं जो ताकतवर होते हैं, हाँ असला होता है उनके पास, ये तो तो हमारी, हमारी कश्मीर की खूबसूरती देखकर वो फिर हाँ ये तो हमारी तवारीख है। मैं आपको एक जी वाक़ा सुनाऊंगा। अफगानों की हुकूमत थी कश्मीर में, जी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर अफगानों की हुकूमत थी। वहाँ यहाँ आया वो क्या कहते हैं उसको जी, कश्मीरी वहाँ से फरियाद लेकर आए हैं, जी जी अफगानिस्तान गए हैं कि हमें एक गवर्नर चाहिए, अच्छा सा पुराना गवर्नर, जी ठीक जी नहीं है। जी 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 तो उन्होंने उनकी खातिर तवाज़ी की है कश्मीरियों की, वहां बैठकर कहा दरबार लग जाएगा। ये हिस्ट्री तवारीख है जी कि दरबार लग जाएगा, आपको क्या कहते हैं ये नया गवर्नर देंगे। जी जब बैठे तो वहां जो दरबार लग गया तो बुलाया इन कश्मीरियों को, उन दिनों पैदल जाते थे और पालकी में लाते थे, इतनी गाड़ियां भी सही नहीं थी। सही तो वहां उन्होंने दरबार में बैठे तो उन्होंने देखा कि एक आप, उन्होंने कहा इस दरबार में जो, बादशाह ने कहा जो दरबार में आपको पसंद आएगा जी उसको हम आपके लिए गवर्नर बनाए। इन्होंने एक आदमी देखा, उसका बड़ा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, रंगीन सुर्ख, जी उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी सुर्ख, जी मथा बड़ा खुला। इन्होंने आपस में जी बात की, इसी बड़ जान कश्मीरियों में, जी इसी बड़ जान, ये बड़ा हाँ अच्छा है। सही उसका ऑर्डर हो गया, उठाया उन्होंने जनाब अली, उसको पालकी में पहुंचाया। यहाँ मुजफ्फराबाद से क्रॉस करके उस जगह का नाम है पलब्रारी जी पट, यहाँ से उड़ी से आगे थोड़ा सा सही आगे से जनाजा आ रहा था, जी वो भी चार आदमियों ने उठाया था। जी इसने कहा कि ये क्या, कहा जनाजा है। उसने कहा कि इसको नीचे रखो। इनने समझा ये हमारा कोई, इसका चेहरा देखे गया कोई। जी इसने छुरी निकाली, उस जनाजे के नाक भी काटे और कान भी। ये अच्छा हैरान हो गया, इसको क्या हो गया, कहा क्या, कहने लगा इसको जाना है मुर्दों में। जी, तो इसको तो हाँ इसके ये उनको बताया गया कि नया गवर्नर आ गया, जिंदों के साथ मैं निपटूंगा। उसका नाम था चराग बेग, जी 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 उसका नाम था चिराग बेग चराग बेग। जी ऐसे ऐसे जुल्म हमने देखे हैं, ये सही आज की बात नहीं है, सही जो आया लाया हमने खुद। जी
लाया हमने खुद जी, जो आया ये नहीं पता हमारी जमीन खूबसूरत है, हमारा दरख्त खूबसूरत है, हमारी औरतें खूबसूरत है, हमारा पानी खूबसूरत है, हमारा दरिया खूबसूरत है, वो फिर हमारी चमड़ी उतारता है। ये तो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर जी। तो इसमें अब जो मकबूल भट्ट था, जब इन्होंने माहिदा ताशकंद किया तो मकबूल भट्ट के पास और कोई चीज नहीं थी जी। उन्होंने फिर ये शुरू किया, सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि ये कश्मीरियों को कहते थे तब से तो ठूस कर से, उन्होंने फिर जहाज लाया यहाँ ताकि लोगों को पता चले कश्मीरी भी कुछ कर सकते हैं। उसका मकसद ये था कि अब ये हथियार वाले हम पर हजारों साल से कब्जा कर रहे हैं, कश्मीरी कम से कम गन चलाना तो सीखे बस, और जंग करना उसका मकसद नहीं था। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक चीज को, एक मौकफ को वाजे करना था कि हम वैसे नहीं है, हम भी चला सकते हैं जी। बिल्कुल बस इतना था उसका मतलब, और कुछ नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अब उसके पास जान एक थी, वो उसने दे दी जी। तो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर आजाद होगा जी। तो हम मकबूल भट्ट के जनाजे को वहां तिहाड़ जेल से लाएंगे और श्रीनगर में दफन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।